पुलाव तो आपने अपने घरों में हजारों बार बनाया होगा, पर आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम स्पेशल काबुली चना पुलाव की रेसिपी, जिसका टेस्ट एकदम अलग होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने काबुली चना या सफ़ेद चना लिया है, और इसको मैंने 3/4 कप लिया था, रात को पानी में सोख करके रख दिया था। अब देखिए कितना बड़ा हो गया ये। और अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे पानी, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितने आपके चने या छोले हैं बस उतने ही लेवल का पानी डालना है हमें इसमें। इसमें डाल देंगे 1/8 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा नमक। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया और हमें मीडियम फ्लेम पे इसको 7 से 8 सीटी आने तक पका लेना है। पुलाव बनाने के लिए आज मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक बड़ा सा बर्तन लिया है, आप चाहो तो इसको स्टील के वेसल में भी बना सकते हो। और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे तेल, तो तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम इसमें अनियंस फ्राई करने वाले हैं। तेल अब गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, अब देखो कितना ब्राउन किया है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जब ये हल्का सा ठंडा होगा ना तो एकदम क्रिस्प हो जाएगा, तो उस स्टेज तक हमें इसको फ्राई करना है। तो उसको हम एक बोल में निकाल देंगे। बोल में आप एक टिश्यू पेपर लगा दें, जिससे क्या होगा प्याज ने जो भी एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब किया होगा वो निकल जाएगा। और अब हम इसी तेल में डाल देंगे थोड़े से आलू। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने काट लिया है और कच्चे आलू हैं ये, और इनको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप आलू फ्राई करके ही डालें, आप कच्चे आलू भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में, पर फ्राइड आलू का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़ेदार आता है। हम इनको साइड में रख लेंगे। और यहाँ देखिए हमारे जो चने हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा तेल अभी बच गया है, आप चाहो तो इसमें ही पुलाव बना सकते हो या थोड़ा सा कम कर सकते हो, पर करीब 1 बड़ा चम्मच तेल तो हमें चाहिए ही है पुलाव बनाने को। तो मैं थोड़ा सा तेल निकाल के अलग कर दे रही हूँ, और अब इस बचे हुए तेल में मैं डाल दूँगी 1 तेज़पत्ता, 2 स्टार, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्चें और 2 लौंग। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको हल्का सा पक जाने देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी बदल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। इनको हम हल्का सा भून लेंगे, गैस की फ्लेम यहाँ पे हमें धीमे रखनी है, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने से मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगा। और अब हमें मसाले को ऑयल रिलीज़ होने तक भून लेना है। ये देखिए मसाले ने कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए आलू, इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज। तो मैं पूरे प्याज नहीं डालूंगी, सिर्फ अभी आधे प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये छोले जो कि हमने बॉईल किए थे। गैस की फ्लेम हम फुल पे कर लेंगे और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए आलू और चने मसाले में बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो ये फ्रेश दही है और करीब 1/2 कप दही मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको चनों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो खट्टापन है वो इसमें दही से आता है। तो बस इसको बहुत अच्छे से मिला लें, और इसको जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे तब तक आप अच्छे से भून लें। ये देखिए मसाला भुन के बिल्कुल तैयार है, आप देखो थिक भी हो गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप बासमती राइस। इन चावलों को मैंने बहुत अच्छे से धो के 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था, और इसके बाद छान के इसका पानी अलग कर दिया है। इन चावलों को हम इस मसाले के ऊपर डाल देंगे। तो वैसे तो आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हो, बासमती या फिर नॉर्मल सोना मसूरी या जो भी आप घर में खाते हो, पर बासमती से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है और थोड़ा खिला खिला दिखता है। इनको हम मसाले के ऊपर फैला देंगे पहले, और बिल्कुल धीमे हाथों से अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि अब हाथों का इस्तेमाल बहुत धीमे करना है, नहीं तो क्या होगा हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। ये देखिए मैंने चावल को बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया, और इसमें डालेंगे पानी। तो आपने जितना भी चावल लिया है उससे डबल आप इसमें पानी डाल दें,
इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल पे करेंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार नमक चख लें। नमक जो है वो हल्का सा चढ़ता हुआ होना चाहिए, क्योंकि चावल जो है नमक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर नमक हल्का सा चढ़ता हुआ नहीं होगा तो चावल खाने में फीके फीके लगेंगे। तो ये देखिए पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम एकदम धीमे कर देंगे। पैन को हम किसी प्लेट से ढक देंगे और इसके ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे। और अब हम पुलाव को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। पुलाव को मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट तक कुक कर लिया, और अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और आइए इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा चावल एकदम पक के तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा बना है और एकदम खिला खिला। अब हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से बचे हुए प्याज जो कि हमने तल के रखे थे, और थोड़े से धनिया के साथ। और ये देखिए हमारा काबुली चना पुलाव एकदम तैयार है। तो काबुली इसलिए क्योंकि हमने इसमें काबुली चने का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इस पुलाव को बनाने में प्रोपोर्शन का ध्यान रखेंगे तो आपका चावल भी बिल्कुल इसी तरह से खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और बस हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से घी के साथ, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक फूड्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर करें। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।